नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। खास यह वीडियो है सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वाले जिनका नामांकन यहाँ आ गए। और यदि आपको अपनी पर्टिकुलर अपनी पर्सनल कुंडली दिखवानी है तो नीचे दिए गए ये नंबर है, इस पर संपर्क करके आप हमसे किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय प्रश्नों का समाधान भी पा सकते हैं। और किसी प्रकार के यदि किसी संबंधी के या फिर लव रिलेशनशिप के आपके प्रश्न हैं तो फिर हमसे सीधे बात कर सकते हैं, इसी नंबर पर सशुल्क आपको उत्तर दिया जाएगा। आ जाते हैं सीधे आज के वीडियो के ऊपर, जो कि है सिंह राशि का राशिफल माह मार्च सन 2023 के लिए। सबसे पहले तो आपको अग्रिम बधाइयां होली महापर्व के लिए और आने वाले नवरात्रों के लिए, जो कि हमें मार्च माह में ही देखने को मिल रहा है। यदि इस माह के आने वाले पर्व और मुहूर्त के बारे में आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनके बारे में वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आ जाते हैं सीधे आज के वीडियो के ऊपर, लेकिन उससे पहले सबसे पहले लाइक कर दें इस वीडियो को, बाद में आप कहीं भूल ना जाए, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आप अपने अन्य परिजनों के भी जो वीडियो राशिफल के हैं उन्हें देखने के लिए नोटिफिकेशन पा लें। सिंह राशि जो कि है सूर्य की राशि, सूर्य इस राशि में जो सबसे उच्च के पद पर बैठते हैं आकर सूर्य विशेष कृपा रखते हैं। केवल सूर्य की एक ही राशि है, बाकी सभी ग्रहों की सूर्य और चंद्र के अलावा दो दो राशियां होती हैं, पर सूर्य की एक ही राशि वह है सिंह राशि आपकी। और सूर्य के प्रकार से खूब लाल लाल हुए आप, चाहे गुस्से से, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है आपको, और साथ ही साथ किसी प्रकार की परेशानियों को झेलने की शक्ति भी सबसे ज़्यादा आप ही में होती है, क्योंकि सूर्य की यह राशि है तो कुछ तेजवान आप अपने आप ही हो जाते हैं। इसके अलावा माँ नाम से जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रभाव यह राशि रखती है, माँ मी मे मू मो। और इसके अलावा भी यदि आप अपना विशेष यह जानना चाहते हैं कि इस माह मार्च के माह में आपके संग क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है, तो इसके लिए है यह वीडियो। उसके लिए ऊपर हमने इस माह की कुंडली खास आपके लिए बनाई है, जिसके बारे में हम बताना शुरू करते हैं। यह है कि सबसे पहला ग्रह जो कि आप ही हैं, यानी कि पांच नंबर जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सिंह राशि, इसमें आपको सूर्य से जुड़े हुए कुछ विशेष काम, पिता के कुछ काम जो कि आपको दिए गए हों, या पिता का काम ही आप करते हों, दुकान करते हों, व्यापार करते हों, तो आपको विशेष फायदे इस माह मिलने वाले हैं। आर्थिक तौर पर आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ फायदे इस माह मिलने वाले हैं। इसके बाद यदि देखें कि केतु आपके पराक्रम में बैठ के आपकी मेहनत को कुछ ज़्यादा बढ़ा देंगे इस माह, क्योंकि केतु का ही यह साल है, इसलिए आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यह साल 2023 2+2+3 2023 आपको मिल रहा है केतु का साल। और केतु की विशेष कृपा पाने के लिए आराधना आप विशेष तौर पर अपने परम पूजनीय जो भी भगवान हैं आपके, जो भी इष्ट हैं आपके, उनकी विशेष तौर पर करें, तो केतु आपको फायदा देंगे ही। साथ ही साथ यदि देखना चाहें आपके कौन कौन से ग्रह आपके बैठे हैं आकर सप्तम में, तो आपको बुध सूर्य और शनि इस माह इसी राशि में देखने को मिल रहे हैं अपने सप्तम में, यानी सप्तम घर है आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। तो सात नंबर में बैठे हुए तीन ग्रह आपको व्यापार में कुछ लाभ देंगे, क्योंकि बुध सप्तम में और अच्छे फल देते हैं, और शुक्र की राशि के अंदर जब बुध बैठ जाते हैं तो ये मित्रता का भाव रखते हैं, तो बिजनेस में कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं, पर बुध अस्त हो जा रहे हैं। जी हाँ, इस माह बुध अस्त हो जा रहे हैं 18 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच, तो ख़ास तौर से उसके बाद आपको कुछ विशेष फायदे भी देंगे जब वह अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 24 तारीख के बाद से। सूर्य भी 15 तारीख को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, जब आगे की राशि में पहुंचेंगे तब आपको कुछ अन्य फायदे देंगे, लेकिन 15 तारीख तक पिता से मिलने वाले कुछ फल आपको विशेष फायदा दे सकते हैं, यदि किसी प्रकार के आप पिता के व्यापार को कर रहे थे तो भी, और पार्टनरशिप में कर रहे हैं तब भी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके शनिदेव भी आकर सप्तम में बैठ गए, और सप्तम में बैठे शनि आपकी पत्नी से कुछ थोड़े मनमुटाव इस माह आपको रख सकते हैं, किसी प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी कुछ संबंध आपके थोड़े खट्टे मीठे रह सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगला जो घर है, वहाँ लिखा है शुक्र और गुरु, तो शुक्र और गुरु अष्टम में बैठ के कुछ तनाव भरी ज़िंदगी ज़रूर देंगे इस माह के लिए, आपको कुछ खट्टे मीठे प्रभाव आपको अपने जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनसे मिलेंगे, जो आपका ऑफिस है वहाँ से ख़ास तौर से आपको कुछ अच्छी बुरी खबरें आने के चांस बने रहेंगे, तो अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनको थोड़ा खुश करके रखें, और कुछ फीमेल्स वहाँ हैं तो उनको विशेष तौर पर किसी प्रकार का छोटा मोटा गिफ्ट देने की ज़रूर टेंडेंसी बना लें इस माह के लिए।
चाहे होली गिफ्ट कहकर दे दे या नवरात्रि गिफ्ट, इस महीने तो बहाने भी बहुत हैं, पर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर इस माह आप कर लें। अगला आप देख रहे हैं, भाग्य के घर में आकर राहु आपके बैठ गए हैं। भाग्य के घर में आकर जब राहु बैठ जाते हैं तो कुछ किसी प्रकार से आपको स्टॉक मार्केट से फ़ायदा देते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो कुछ स्टॉक मार्केट या किसी प्रकार के सट्टे या जुए की तरफ आपको खींचते हैं, तो यदि पूर्ण आपको ज्ञान हो तभी सट्टा या फिर किसी स्टॉक मार्केट में आप जाकर निवेश करें, नहीं तो थोड़ा सोच समझ लें, किसी ज्योतिष से संबंध बना लें, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो भाग्य में बैठे राहु कुछ इस प्रकार के फ़ायदे भी देते हैं जो कि छुपे हुए या फिर पीछे के रास्तों से आपको धन ला कर दे सकते हैं। कर्म में देखा जाए तो मंगलदेव आपके कर्म में आकर बैठ गए हैं, और मंगलदेव जब कर्म में बैठ जाते हैं तो हमें किस प्रकार के फायदे देते हैं? मंगलदेव हमें पराक्रम के काम देते हैं, जैसे कि अगर किसी प्रकार का आपने लोन इत्यादि लेना था और काम के लिए लेना था, बिजनेस लोन अगर आप लेने जा रहे थे तो इस माह ले सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि किसी प्रकार के आप नए निवेश के लिए सोच रहे थे तो वह इस माह कर सकते हैं काम में, वो भी आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अन्य ग्रहों की दृष्टियों को भी देख लें। इसके बाद आ जाते हैं आपके व्यय और आय को लेकर, जहाँ पर आपको कोई विशेष ना तो हानि हो रही है ना फायदा, लेकिन कुछ रेगुलर कामों को करते हुए आप अपनी इनकम को निरंतर जैसी थी वैसी दस की तस बनाए रख सकते हैं। नुकसान आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई विशेष फायदे भी मार्च माह में आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विशेष फायदे पाने के लिए आप माँ भगवती के नवरात्रि जरूर व्यर्थ करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष यह उपाय बन जाता है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आ सकती है। यदि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो जाए और ऐसी मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करके चैनल को आप बेल आइकन अवश्य दबा दें, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा आपके लिए अन्य वीडियोज़ भी देने में। तो सबसे ज़्यादा लाइक्स हमारे सिंह राशि वाले लोगों के इसी वीडियोस पर आने चाहिए, तभी हम आपके लिए नया वीडियो उपायों के लिए बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। राधे राधे।